हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की हम इस क्लास में बात करने वाले हैं 3D पेंटिंग, भविष्य की तकनीक। तो इसमें हम लोग 3D पेंटिंग के बारे में जानेंगे, तो देखेंगे कि आखिर 3D पेंटिंग है क्या और अभी चर्चा में क्यों है। आखिर 3D पेंटिंग्स के उपयोग अनुपयोग क्या है उसे भी देखेंगे। 3D पेंटिंग से संबंधित वैश्विक परिदृश्य क्या है उसे भी हम लोग देखेंगे। 3D पेंटिंग और भारत में क्या संभावना है इसकी उसे भी देख लेंगे। फिर आपका 4D पेंटिंग क्या है इसे भी देखेंगे। 4D पेंटिंग तकनीक का उपयोग क्या है उसे भी देखेंगे। 3D पेंटिंग से लाभ क्या है, 3D पेंटिंग से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग में 3D पेंटिंग के विविध क्षेत्रों में बढ़ते प्रयोग ने इसे चर्चा का विषय बना दिया है। हालांकि अभी तक यह तकनीकी उद्योग विकास के स्तर पर है तथा सर्वसुलभ भी नहीं है, लेकिन तकनीकी रूप से विकसित देशों ने इसे हाथों हाथ लिया है और वे घरेलू उपकरणों के निर्माण से लेकर अंतरिक्ष के क्षेत्र तक इसका व्यापक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आज 3D पेंटिंग तकनीकी का इस्तेमाल विविध क्षेत्रों में, खासकर सुरक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी उपकरणों के विविध भागों को की मरम्मत करने और उपकरण संबंधी विविध घटकों के निर्माण के लिए किया जा रहा है। क्या है आखिर ये 3D पेंटिंग? 3D पेंटिंग मूलतः विनिर्माण की एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल कर त्रिविमीय ऑब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है। इसके लिए मूल रूप से डिजिटल स्वरूप में एक त्रिविमीय वस्तु को डिजाइन किया जाता है। इसके बाद 3D पेंटिंग के द्वारा उसे भौतिक स्वरूप प्राप्त किया जाता है। 3D पेंटिंग में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर युगात्मक विनिर्माण तकनीकी पर आधारित होते हैं, जहां एक साधारण पेंटिंग मशीन में इंक और पन्नों की आवश्यकता होती है, तो वहीं इस प्रिंटिंग मशीन में प्रिंट की जाने वाली वस्तु के आकार, रंग आदि का निर्धारण कर उसी अनुरूप उसमें पदार्थ डाले जाते हैं। बात करते हैं 3D पेंटिंग के अनुपयोग। 3D पेंटिंग अपनी तीन नई खासियतों, खासकर कम समय, वस्तु की डिजाइन की स्वतंत्रता और कम कीमत की वजह से विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव की संभावना रखती है। इससे बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यमुक्त होंगे, जिन्हें अन्य क्षेत्रों में काम देकर संभावना के नए द्वार खोले जा सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में इस तकनीकी का इस्तेमाल कई राज्यों, कई कार्यों जिनमें ऊतक इंजीनियरिंग, प्रोस्थेटिक, कृत्रिम मानव अंग के निर्माण में किया जा रहा है। इसके अलावा विनिर्माण, शिक्षा, अंतरिक्ष तथा सुरक्षा के क्षेत्र में यह क्रांतिकारी पहल साबित होगी। बात करते हैं 3D पेंटिंग से संबंधित वैश्विक परिदृश्य। वैश्विक स्तर पर वर्ष 2017 में वैश्विक 3D पेंटिंग का बाजार तकरीबन 7.01 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया था। औद्योगिक स्तर पर किए जाने वाले 3D पेंटिंग के उपयोग की बात करें तो वर्ष 2019 में बाजार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 80% थी। वर्ष 2018 के दौरान 3D पेंटिंग का सर्वाधिक उपयोग हार्डवेयर, उसके पश्चात सॉफ्टवेयर तथा सबसे कम उपयोग सेवा क्षेत्र में किया गया था। वर्ष 2018 में उत्तरी अमेरिका 3D पेंटिंग का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने के कारण बाजार में अपनी 37% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर रहा। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा एक सॉफ्ट सिलिकन हृदय का विकास किया गया जो लगभग मानव हृदय के समान ही कार्य करता है। इसके अलावा चीन तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों ने संयुक्त प्रयास से 3D पेंटिंग तकनीक का प्रयोग करते हुए एम्बियोनिक स्टैम कोशिका का विकास किया। वहीं यूनाइटेड किंगडम
कि वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का प्रयोग करते हुए विश्व के पहले कॉर्निया का निर्माण किया। अमेरिकी शोधकर्ताओं की टीम ने 3D पेंटिंग तकनीक के माध्यम से हथेली पर समा जाने वाली एक स्पंज जैसी संरचना तैयार की है, जो प्रदूषण को कम करने में कारगर साबित हो सकती है। शोधकर्ताओं की एक टीम ने 3D पेंटिंग प्रक्रिया के दौरान रासायनिक एजेंट टाइटेनियम डाइऑक्साइड के नैनो कणों को मिलाकर एक स्पंज के समान प्लास्टिक सांचे का निर्माण किया है, जिसमें पानी, वायु और किसी स्रोतों से प्रदूषण को समाप्त करने की क्षमता है। बात करें 3D पेंटिंग और भारत में क्या संभावना है इसकी। भारत में विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न प्रमुख विनिर्माताओं ने विदेशी तकनीकी फर्मों के साथ 3D पेंटिंग असेंबली लाइन और वितरण केंद्रों की स्थापना की है। प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स PwC की द ग्लोबल इंडस्ट्री 4.0 शीर्षक से जारी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि वर्ष 2016 के दौरान योगात्मक विनिर्माण तकनीकों में लगभग 27% उद्योगों ने निवेश किया है, जो इस बात का संकेत करता है कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र में 3D पेंटिंग के व्यापक प्रयोग की संभावना है। वर्तमान में भारत सबसे तीव्र गति से विकास करने वाला विकासशील देश है, जहां निवेश के अवसरों को बढ़ाने एवं देश की विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी पहलें आरंभ की गई, जिसमें 3D पेंटिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसका उपयोग छोटे शहरों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा तथा पारंपरिक और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में इस तकनीक का उपयोग न केवल कम लागत और अधिक कुशल साबित होगा, बल्कि समय की भी बचत होगी। विमानन और मोटर वाहन जैसे क्षेत्रों में इस तकनीक के उपयोग से परिवहन क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है, जिससे न केवल उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता और निर्माण के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों में भी कमी आएगी, जो देश के पर्यावरण के संदर्भ में वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप भी होगा। अब हम लोग बात करते हैं 4D प्रिंटिंग। 4D प्रिंटिंग तकनीक के द्वारा ऐसी वस्तुओं को तैयार किया जा सकता है जो समय के साथ परिस्थितियों के अनुकूल अपना आकार बदल सकते हैं। ज्ञातव्य है कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग के शोधकर्ताओं ने 3D पेंटेड पदार्थों का विकास किया, जिसे पानी या आग जैसी बाहरी प्रभावों के तहत नई संरचनाओं का रूप दिया जा सकता है। इस तकनीकी को 4D प्रिंटिंग नाम दिया गया है। ये नए पदार्थ बच्चे के खिलौने की तरह खुद को एक से दूसरे आकार में बदलने में सक्षम है। 4D प्रिंटिंग तकनीक विकास के शुरुआती चरण में है, जो तेजी से बायो इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, रासायनिक विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषयों में एक नई विद्यमान के रूप में उभर रही है। नैनो प्रौद्योगिकी की दुनिया में यह अग्रिम पहल बेहद स्तर पर अनुपयोग की जा रही है। 4D पेंटिंग तकनीक को बायो प्रिंटिंग, एक्टिव ओरिगामी या सेफ मॉर्फिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं 4D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग। रोबोटिक्स के क्षेत्र में किसी जटिल विद्युत यांत्रिक उपकरण का इस्तेमाल किए बिना 4D प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग कर महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इस तकनीक से चाइल्ड केयर उत्पादों का निर्माण किया जा सकेगा, जो तापमान और आर्द्रता पर प्रतिक्रिया कर सके, जो कपड़े और जूते पर्यावरण के अनुकूल अपना कार एवं रूप बदलने, मानव शरीर में प्रत्यारोपित किए जा सकने वाले जीव रासायनिक घटक शोधकर्ताओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। इस तकनीक का प्रयोग करके घरेलू उपकरण एवं उत्पादों को तमाम अनुकूल
बनाकर ज्यादा काल सक्षम एवं आरामदायक बनाया जा सकता है। 3D पेंटिंग से लाभ क्या होंगे उन्हें भी देख लेते हैं। कम लागत। 3D पेंटिंग के द्वारा पारंपरिक तकनीकों की तुलना में कम लागत पर उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है। समय की बचत। 3D पेंटिंग के द्वारा कम समय में गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा सकता है। यह कार्य की दक्षता में वृद्धि करने में सक्षम है। अति कुशल। 3D पेंटिंग के द्वारा उत्पन्न प्रोटो टाइप का निर्माण बहुत आसानी और तीव्रता के साथ किया जा सकता है। लचीलापन। 3D पेंटिंग के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियां प्रयोग में लाई जा सकती हैं। इससे विभिन्न प्रकार के प्रोटोटाइप और उत्पादों को प्रिंट करना आसान हो जाता है। टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता। उत्पाद नमी को अवशोषित नहीं करते, जिससे वह लंबे समय तक प्रयोग में रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं 3D पेंटिंग से जुड़ी चुनौतियां यानी कि समस्याएं। 3D पेंटिंग से संबंधित चुनौतियों की बात की जाए तो 3D पेंटरों में विविधता के कारण उत्पादों के निर्माण में गुणवत्ता की भिन्नता आ जाएगी। साथ ही 3D पेंटरों में उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर एक आदर्श मानक का अभाव। इन पेंटरों के अंतर्गत उत्पादों के निर्माण में सर्वाधिक मात्रा में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है तथा इसमें बड़े स्तर पर बिजली की खपत होती है, जिसे किसी भी दृष्टि से पर्यावरण के लिहाज से अच्छा नहीं कहा जा सकता। देश में न केवल लोगों में इस प्रौद्योगिकी के विषय में जागरूकता का अभाव है, बल्कि इससे संबंधित शोध कार्यों का भी अभाव है। आयात लागत का अधिक होना, रोजगार में कमी तथा 3D पेंटिंग से संबंधित घरेलू निर्माताओं की सीमित संख्या भी देश में 3D पेंटिंग की चुनौतियों को उजागर करती है। आगे की राय। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी तक तकनीक की अपने खुद विकास के प्रारंभिक चरण में तथा विकास के क्रम में इससे संबंधित चुनौतियों का समाधान भी निकल पाएगा। भारत को 3D जैसी उन्नत तकनीकी का लाभ लेने के लिए तकनीकी शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रसार करना होगा तथा शोध एवं विकास कार्यों हेतु पर्याप्त वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। निश्चित ही 3D पेंटिंग के उपयोग का क्षेत्र व्यापक है, इसे नकारा नहीं जा सकता, जिसमें घरेलू से लेकर अंतरिक्ष तक विभिन्न आयाम शामिल हैं तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसके साथ ही हम 4D प्रिंटिंग तकनीकी जैसी क्रांतिकारी अवधारणा को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी आपकी 3D और 4D प्रिंटिंग की, ठीक है।